हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेंथ क्लास कंप्लीट हो गया है आपका, अब 11, 12 में क्या करना है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, काफ़ी पेरेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, डाउट होता है कि टेंथ के बाद स्टूडेंट को क्या कराए, अपने सन अपने डॉटर को क्या कराए। आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि टेंथ के बाद आपको क्या करना है, किस में इंटरेस्ट है आपके सन का, आपके डॉटर का, आपके स्टूडेंट का। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करिए। देखिए, टेंथ के क्लास के बाद जो है इंटरमीडिएट का नॉर्मल कोर्स होता है। इंटरमीडिएट जो है टॉस से कर सकते हैं आप, रेगुलर से कर सकते हैं। 2 ईयर्स का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट में स्ट्रीम है, MPC स्ट्रीम है, BPSC स्ट्रीम है, उसके बाद लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है कॉमर्स की फील्ड है, CEC की फील्ड है, MEC, HEC आर्ट्स फील्ड है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो जो है टेंथ क्लास के बाद पॉलीटेक्निक का 3 ईयर्स का कोर्स होता है। पॉलीटेक्निक में आप 3 ईयर्स में जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल ले सकते हैं आप पॉलीटेक्निक का। पॉलीटेक्निक आप कंप्यूटर साइंस में ले सकते हैं, सिविल में ले सकते हैं पॉलीटेक्निक। 3 ईयर्स का प्रैक्टिकल का कोर्स है, इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा सिखाया जाता है, 80% प्रैक्टिकल होता है, एग्ज़ाम भी होता है इसका प्रैक्टिकल और थ्योरी का, इसकी ज़्यादा मांग है। अगर आप 3 ईयर्स पॉलीटेक्निक करेंगे तो आपको इंडस्ट्री या कंपनी में जॉब भी मिल जाएगा, अगर आप कोई भी ये ग्रुप से कर सकते हैं, ठीक है। 3 ईयर्स का है तो क्या क्या है पॉलीटेक्निक में, 3 ईयर्स मैकेनिकल कर सकते हैं आप, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, सिविल कर सकते हैं, EEE कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं पॉलीटेक्निक में, पॉलीटेक्निक इन ऑटोमोबाइल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं, केमिकल कर सकते हैं पॉलीटेक्निक का, पॉलीटेक्निक इन एरोनॉटिकल कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक इन बायोमेडिकल कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक इन मैराइन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक इन माइनिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक इन टेक्सटाइल या पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी या रबर टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ITI बोल के कोर्स है, टेंथ क्लास कंप्लीट कर लेंगे आप, SSC कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 2 ईयर्स का ITI है। ITI में आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, ITI इन फिटर ले सकते हैं, ITI इन कंप्यूटर ले सकते हैं, ITI इन सिविल ड्रॉट्समैन ले सकते हैं, ITI इन मैकेनिकल में रेडियो, TV, मोटर व्हीकल, डीजल या मैराइन ले सकते हैं। फिर उसके बाद ITI में जो है इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं, ITI में प्लम्बर ले सकते हैं, ITI में सर्वेयर ले सकते हैं, ITI में इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, ITI में मशीन टूल्स का ले सकते हैं, ITI 2 ईयर्स में जो है वेल्डर का ले सकते हैं, ITI जो है 2 ईयर्स का फायरमैन ले सकते हैं, ITI इन कुकरी ले सकते हैं, ITI इन पेंट टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ITI का फुल फॉर्म जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहता है। 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें भी प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, इंडस्ट्री कंपनी में जल्दी जॉब मिलता है अगर आप ये करेंगे। अगर कोई मेडिकल के स्टूडेंट है, टेंथ क्लास के बाद मेडिकल में आगे जाना चाह रहे तो पैरामेडिकल के 3 ईयर्स के कोर्सेस है, कौन से नोट डाउन कर लीजिए, पैरामेडिकल के 3 ईयर्स के कोर्सेस, DLMT है पैरामेडिकल एंड DLMT, DHFM, DOA, DOT, हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये भी आप 3 ईयर्स का कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाह रहे हैं, जैसे कि 1 ईयर का या 6 महीने का कोर्स करना चाह रहे हैं आप शॉर्ट टर्म टेंथ के बाद, तो ये कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स या 1 ईयर का कोर्स इन DTP, PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 ईयर का, 1 ईयर का कोर्स शॉर्ट टर्म जो है टैली में कर सकते हैं आप, इंटरनेट में कर सकते हैं, ग्राफिक्स में कर सकते हैं, एनिमेशन में कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग में कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रख लेना है आपको, टेंथ क्लास के बाद आप ये कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, पॉलीसेट बोल के ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ये आपको याद से कर लेना है। अब टेंथ क्लास के बाद मैं आपको बता दिया हूँ कि ये कोर्स करना है। अब इंटरमीडिएट के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं वो देख लीजिए। इंटरमीडिएट के बाद जो है आप इंजीनियरिंग के कोर्स कर सकते हैं, 4 ईयर का इंजीनियरिंग ले सकते हैं, जिसमें BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स है, BE या BTech ले सकते हैं। इसके लिए MPC रहना बहुत ज़रूरी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है, MCET का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, AIEEE का एग्ज़ाम है, BIT, SAT का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक्सेट्रा। इसके में आप कौन से ग्रुप ले सकते हैं इंजीनियरिंग के, वो देख लीजिए।
इंजीनियरिंग इन जो है इंजीनियरिंग 4 ईयर्स का रहता है, याद रख लीजिए बी ई बी टेक 4 ईयर्स का रहता है, उसमें आप सी एस सी ले सकते हैं, बी ई इन सी एस सी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सी एस सी, या बी टेक इन सी एस सी, या आई टी ई कर सकते हैं आप, या ई सी ई कर सकते हैं, या ट्रिपल ई कर सकते हैं, या बी ई में सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी इन केमिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं 4 ईयर्स का, या जो है बी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी टेक या बी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी ई या बी टेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी इन बायो मेडिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी इन बायो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी इन सेरेमिक इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी इन मैराइन इंजीनियरिंग ले सकते हैं, या बी इन माइनिंग इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं 4 ईयर्स का, उसके बाद बी इन सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया इंजीनियरिंग की फील्ड। अब इंटरमीडिएट में जो है मेडिकल फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं आप, इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया है आपका, बाईपीसी से एलिजिबल बाईपीसी है, तो मेडिकल के 5 ईयर्स के कोर्सेस है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम एमसेट एक होता है और नीट होता है। एमसेट जो है इंजीनियरिंग मेडिकल कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। एमसेट कई तरह के ग्रुप्स के ऑप्शंस को चॉइस दिया गया है, लेकिन नीट सिर्फ मेडिकल यानी कि एमबीबीएस ही कर सकते हैं अगर आप नीट में क्वालिफाई होते हैं। अब कौन से जो है ग्रुप है बाईपीसी अगर आप कंप्लीट कर लिए इंटरमीडिएट में, तो आप एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो है ये कोर्सेस में आगे जा सकते हैं, जैसे कि एमबीबीएस एलोपैथिक कर सकते हैं आप 5 ईयर्स का, बीयूएमएस यूनानी कर सकते हैं 5 ईयर्स का, बीएचएमएस होम्योपैथी 5 ईयर्स का कर सकते हैं, बीएएमएस आयुर्वेदा 5 ईयर्स का कर सकते हैं, बीएनवाईएस जो है नेशनल कर सकते हैं 5 ईयर्स का, एग्रीकल्चरल बीएससी 5 ईयर्स का कर सकते हैं, उसके बाद बीडीएस डेंटल जो है 5 ईयर्स का कर सकते हैं, बीवीएससी वेटिनरी एनिमल डॉक्टर का जो है 5 ईयर्स का कर सकते हैं, या बीपीटी फिजियोथेरेपी बैचलर इन फिजियोथेरेपी 5 ईयर्स का ये कोर्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है एलाइड हेल्थ साइंसेज के 2 और 3 ईयर्स के कोर्सेस है, जो मैं ऊपर बोला हूँ वो 5 ईयर्स के कोर्सेस थे, लेकिन अब जो बोला हूँ वो 2 या 3 ईयर्स के कोर्सेस है एलाइड हेल्थ साइंस है, जैसे कि बी फार्मेसी है, बी फार्मेसी 2 ईयर्स का कर सकते हैं आप, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, बीएससी एनेस्थेसिया टेक्नीशियन कर सकते हैं, बीएससी कार्डियक टेक्नीशियन कर सकते हैं, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं इंटरमीडिएट बाईपीसी के बाद, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन कर सकते हैं, बीएससी क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन कर सकते हैं, बीएससी ऑपरेशन थिएटर कर सकते हैं, बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट कर सकते हैं, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन रेस्पिरेटरी केयर कर सकते हैं, या बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये भी कर सकते हैं आप, जो कि 2 ईयर्स का या 3 ईयर्स का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद जो है डिग्री 3 ईयर्स का होता है, डिग्री 3 ईयर्स में जो है आप लोग डिग्री 3 ईयर्स में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि डिग्री 3 ईयर्स में देखिए नोट डाउन कर लीजिए डिग्री में क्या क्या कर सकते हैं आप, 3 ईयर्स के कोर्सेस है डिग्री में। इंटरमीडिएट अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप बीए में ले सकते हैं, बीएससी में ले सकते हैं, बीकॉम में ले सकते हैं, अदर डिग्रीज भी है। बीए में आप क्या ले सकते हैं 3 ईयर्स का, इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए बाद आप इंटरमीडिएट में कोई भी कोर्स करना कर लिए बाद अगर आप उसमें नहीं जाना चाह रहे, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग का बोला हूँ अभी मेडिकल का बोला हूँ, अगर आप उसमें नहीं जाना चाह रहे आगे, तो आप डिग्री 3 ईयर्स कर सकते हैं। डिग्री 3 ईयर्स में बीए में बीए इन एचईपी कर सकते हैं, बीए इन एचटीपी कर सकते हैं, बीए बैचलर इन आर्ट्स इन लिंग्विस्टिक कर सकते हैं, बीए 3 ईयर्स का इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, बीए साइकोलॉजी में कर सकते हैं आप, बीए जो है फाइन आर्ट्स में कर सकते हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, बीए सोशियोलॉजी में कर सकते हैं, बीए 3 ईयर्स लाइब्रेरी साइंस में कर सकते हैं। अगर आप बीएससी में जाना चाह रहे 3 ईयर्स में, तो बीएससी में आप एमपीसी कर सकते हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 3 ईयर्स का, बीएससी में एमएससी कर सकते हैं, बीएससी में अप्लाइड मैथमेटिशियन कर सकते हैं, बीएससी में बीजेडसी या सीबीजेड कर सकते हैं, बीएससी में सीपीजेड कर सकते हैं, बीएससी में हॉर्टिकल्चर का 3 ईयर्स का कोर्स कर सकते हैं, बीएससी में कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं 3 ईयर्स, बीएससी में होम साइंस कर सकते हैं, और बीएससी में बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। अगर आप जो है इंटरमीडिएट के बाद कोई भी ग्रुप के बाद बीकॉम में जाना चाह रहे बैचलर ऑफ कॉमर्स में, तो आप बीकॉम रेगुलर कर सकते हैं, बीकॉम कंप्यूटर्स कर सकते हैं, बीकॉम जो है बैंक मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीकॉम जो है टैक्स प्रोसीजर वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अदर डिग्री भी है, जैसे कि एलएलबी अगर आप करना चाह रहे हैं तो एलएलबी भी कर सकते हैं, यानी तो दूसरी डिग्री भी है, जैसे कि बीबीए 3 ईयर्स का है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये भी कर सकते हैं आप, बीबीएम बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, बीएएफ बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएफएम बैचलर इन फाइनेंस मैनेजमेंट, बीएमएस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़,
ये भी कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ ड्यूअल डिग्री बोल के है, ड्यूअल मतलब डबल डिग्री, फोर ईयर्स का कोर्स है, वो भी कर सकते हैं आप इंटरमीडिएट के बाद। बीए प्लस बीएड भी कर सकते हैं, या बीएससी प्लस बीएड भी कर सकते हैं फोर ईयर्स में, बीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं फोर ईयर्स में, ड्यूअल डिग्री कोर्स है। बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हैं, फोर साल में दो भी कंप्लीट हो जाएगा। बीबीएम प्लस एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए प्लस एलएलबी कर सकते हैं, ये भी कोर्सेस है, ये भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये ड्यूअल कोर्सेस बहुत कम कॉलेजेस में रहते हैं, ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। ये जो मैं आपको बता दिया हूँ ये याद रख लीजिए। उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद आप टीचिंग भी कर सकते हैं। टीचिंग में आगे जाना है तो आपको डीएड लिखना होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन करना रहता है, टू इयर्स का होता है, डीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। या जो है उसके बाद आप यूडी पीईडी भी कर सकते हैं, टू इयर्स का जो है प्राइमरी एंट्रेंस टीचर के वास्ते। ईसीसीईडी भी कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का टीचर भी आप बन सकते हैं। अगर अदर बात करेंगे, अदर कोर्सेज की बात करेंगे इंटरमीडिएट के बाद, तो जो है एनडीए बोल के एक एग्जाम होता है गवर्नमेंट का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। उस आर्मी में आगे जा सकते हैं, नेवी एयरफोर्स में आगे जा सकते हैं। इसमें जो है आप फॉरेन लैंग्वेजेस ले सकते हैं, आर्मी में फायर सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं, जर्नलिज्म का कर सकते हैं, होम साइंस का कर सकते हैं, टूरिज्म होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। या आप एयरफोर्स में डिजाइनिंग में आगे जा सकते हैं, फैशन में, इंटीरियर, ज्वेलरी में, फिल्म मेकिंग में आगे जा सकते हैं, मैनेजमेंट में भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। अदर्स कोर्सेज की बात करेंगे इंटरमीडिएट की, तो जो है अदर कोर्सेज में डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज जो है अभी जो बोला हूँ मैं, डिप्लोमा कोर्सेज है इंटरमीडिएट के बाद, वन ईयर टू ईयर्स के डिप्लोमा कोर्सेज देख लीजिए। फॉरेन लैंग्वेजेस है, फायर सेफ्टी में डिप्लोमा कर सकते हैं आप, फायर डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर सकते हैं वन ईयर टू ईयर्स का, या जो है डिप्लोमा इन होम साइंस टूरिज्म कर सकते हैं, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डिजाइनिंग में फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, या इंटीरियर डिजाइनिंग या ज्वेलरी डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग में स्क्रीन राइटिंग कर सकते हैं, सिनेमाटोग्राफी कर सकते हैं, साउंड डिजाइनिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, या एक्शन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं आप, मैनेजमेंट में डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो मैं आपको पूरा इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है और टेंथ के बाद क्या करना है पूरा मैं आपको सामने यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल मिलेगी, ज़रूर यूज़फुल होगी। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली को ज़रूर शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि ये भी कोर्सेस होते हैं, ये भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये भी गवर्नमेंट का एग्जाम भी होता है इंटरमीडिएट के बाद, जो है ट्वेल्थ के बाद एनडीए का एग्जाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जिससे हम जो है आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, मिलिट्री में भी जा सकते हैं, ठीक है, या पुलिस सर्विस में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप दूसरों तक भी शेयर जरूर करिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपको जरूर इंपॉर्टेंट दिखी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक न्यू कंटेंट के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, दुआओं में जरूर याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।